हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज प्लेसमेंट्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को बहुत ही पसंद आता है। बहुत ज़्यादा बार यूट्यूब पर सर्च करते हैं लोग कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का प्लेसमेंट कैसा होता है, क्या वहाँ पे प्लेसमेंट होता भी है कि नहीं होता है। तो इसका आंसर है, होता है प्लेसमेंट, और 100% प्लेसमेंट होता है इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो कि आपने CUET का एग्जाम दिया है, जिसके अंदर आप अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं। अभी जस्ट काउंसलिंग चल रही है, तो अपन जान लेते हैं कि इसका क्या प्रोस्पेक्टस है, किसको जॉब मिलती है, किसको नहीं मिलती है, क्या 12th के परसेंट मैटर करते हैं, क्या ग्रेजुएशन के परसेंट मैटर करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो यही ऑप्शन है कि जस्ट आप कोर्स कौन सा सेलेक्ट करते हो। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर कोई बच्चा BA हिस्ट्री कर रहा है या MA इन हिंदी कर रहा है, तो यार उसका मतलब कैसे प्लेसमेंट होगा मार्केट के अंदर, उसको कौन जॉब देगा। जैसे कोई अगर बच्चा BBA कर रहा है और वो सोचता है कि मैं BBA करके एडमिशन ले लूं, या फिर वो कोई BA इन मास कम्युनिकेशन कर रहा है, तो उसको कौन प्लेसमेंट देगा। उसके लिए थोड़ा उसको स्टडी करना पड़ेगा, राइट। उसको जस्ट लाइक डायरेक्टली तो जॉब मिलती नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ बीटेक की, तो बीटेक में आसानी से जॉब मिल जाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, इसलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी NIRF रैंकिंग जो UGC रिलीज करती है, वो थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई उसके अंदर। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे बच्चों का अच्छे से अच्छे कंपनी के अंदर प्लेसमेंट हो, उनको अच्छा जॉब मिले, उनकी सैलरी बहुत अच्छी हो। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते हैं कि आपका प्लेसमेंट हो। लेकिन इसके लिए मैटर करता है कि आप चूज कोर्स कौन सा किया है, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी CGPA पोजीशन क्या है। जैसे अगर मैं बात करूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की, तो बहुत बहुत अच्छा प्लेसमेंट जाता है यार। अगर कुछ कोर्सेज की अगर अपन बात करें जिनके अंदर मेजोरिटी 100% प्लेसमेंट होता है, जैसे प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, जो मेटलर्जी है, ऐसे ऐसे कोर्सेज के अंदर डायरेक्टली 100% प्लेसमेंट होता है। और कुछ कोर्सेज स्पेसिफिक कोर्सेज जैसे BTech के अंदर हो जाता है, सभी का हो जाता है। लेकिन जो बच्चे जस्ट PG कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे जूलॉजी में कोई कर रहा है, जैसे कोई केमिस्ट्री कर रहा है, तो वो कोई जस्ट प्लेसमेंट लेना ही नहीं चाहेगा। वो बच्चा यही चाहेगा कि मेरे को जस्ट फेलोशिप वगैरह मिल जाए, मैं कुछ अच्छे कॉलेज से PhD करूं, IIT में जाऊं, NIT के अंदर जाऊं, मेरे को इसरो, DRDO, HAL, NAL, भाभा रिसर्च सेंटर, ऐसे ऐसे कुछ जो भी प्रोग्राम है, टाटा रिसर्च है, या भी जो भी हमारी इंटरनेशनल लैब्स है, इंडिया की टॉप लैब्स है, उसके अंदर मेरे को जाने का मौका मिले। तो बच्चे ये सब ट्राई करते हैं। और यार यहाँ पे ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर जो प्रोफेसर है वो एटलीस्ट प्योर प्रोफेसर होते हैं, उनसे अच्छा मतलब क्वालिटी के प्रोफेसर, वो एकदम करीम चीज होती है। जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो भी करीम बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट की तरह 50-60 वाले भी चले गए, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ही ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। जैसे IITs के अंदर बच्चे जाते हैं, करीम बच्चे ही जाते हैं वहाँ पे। जो बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, रिटन टेस्ट लिखते हैं, उन्हीं बच्चों का हो पाता है, और उन्हीं को अच्छी जॉब इसलिए मिल पाती है क्योंकि वो उसके लायक है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं वो उसके लायक नहीं है, लेकिन जो करीम बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है, उसके बेसिस पे तो यही कह सकते हैं कि उनका प्लेसमेंट होता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर ऑलमोस्ट के अंदर सभी के अंदर बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो आप इसकी चिंता ना करें कि मेरे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग यूट्यूब वगैरह पे बहुत कम वीडियोज हैं, गूगल वगैरह पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन ऑलमोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है यार। आप इसकी चिंता ना करें, जस्ट आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि आप अच्छी से अच्छी काउंसलिंग के अंदर अपनी चॉइस वगैरह ठीक से फिल करें, और आपका अच्छी से अच्छी कॉलेज के अंदर एडमिशन हो पाए, अच्छा से अच्छा ब्रांच आपको मिल पाए। जैसे अगर BTech CSE की अगर अपन बात करते हैं, तो वो तो किसी प्राइवेट लोअर कॉलेज के अंदर भी अच्छा प्लेसमेंट चला जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड है। और ऑलमोस्ट सभी का यूनिवर्सिटी यही चाहती है कि हमारी रैंकिंग इम्प्रूवमेंट हो, इसलिए वो प्लेसमेंट के बारे में सोचती है, जो है बच्चों को प्रिपेयर करती है, उनकी जस्ट स्ट्रेटजी बनवाती है, बच्चों को बताती है, ट्रेनिंग होती है,
ओके तो इस प्रकार से कंपनियां विजिट करती है, रिक्रूट करती है, थोड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने का इफेक्ट भी पड़ता है, रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए बच्चों को अच्छी जॉब, अच्छा प्लेसमेंट, अच्छी सैलरी मिल पाती है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर अपन बात करते हैं जो मैंने लोअर कोर्सेस बताए, जैसे BBA है, BA LLB है, जैसे BA LLB करके कोई बच्चा क्या जॉब करेगा डायरेक्टली, क्योंकि उसको जस्ट कोर्ट के अंदर कोई जाने नहीं देगा कि ये जस्ट केस सोल्व करेगा या फिर डायरेक्टली जज बन जाएगा। उसके लिए भी उसको स्टडीज करनी पड़ेगी आगे, हायर स्टडीज, PhD करनी पड़ेगी, कोई अच्छा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके उसका कुछ लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 4 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तुमने कॉलेज के अंदर गुजारे, मजे किए और जस्ट तुमको कोर्ट में मिल जाएगी, तुम जज बन जाओगे, वो सारा सीन नहीं है। और बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है जिसके अंदर बच्चे अप्लाई करके डायरेक्टली अच्छी जॉब ले सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे प्लेसमेंट्स प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स दे रखे हैं, कौन कौन सी कंपनी विजिट करती है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं तो आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक जो टेग जो लगता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, वो बहुत लाइफ के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। जिस बच्चे के IIT का टेग लगता है, वो भी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो आप इन सब की चिंता ना करें, आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो, आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, यही मैं दुआ करता हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।